सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में दी। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखें, उससे प्रार्थना करें और अपना जो कुछ भी हमारे हृदय में है हम उस परमेश्वर के सामने उन बातों को कहें। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु। हालेलुया धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, सच में मेरे परमेश्वर पिता आप धर्मी परमेश्वर है मेरे खुदावन। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 करते परमेश्वर, तू पवित्र है मेरे प्रभु जी, सच में मेरे खुदावन तू अत्यंत पवित्र है परमेश्वर। तेरे पवित्र नाम की हम सब मिलकर बड़ाई करते प्रभु, तेरे पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु तू हमारी चट्टान है प्रभु जी। हालेलुया यस माय लॉर्ड, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, वी प्रेज योर नेम प्रभु, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड फादर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमारी चट्टान है, हमारा स्वामी है परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु तू अच्छा परमेश्वर है पिता। हालेलुया प्रभु तू एल सदाई एडोनाई इन्फिनिटिव और एलोहिम है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु मेरे यीशु राजा। हालेलुया तेरा धन्यवाद हो पिता, सच में मेरे परमेश्वर पिता तू जीवन देने वाला परमेश्वर है मेरे यीशु पिता, तू जीवन का दाता है परमेश्वर पिता। हालेलुया यस माय लॉर्ड फादर, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड फादर, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड फादर, वी लिफ्ट योर नेम लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर पिता, तेरी महिमा को करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया कि सच में परमेश्वर पिता आप प्रभु हमें जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, जीवन दाता हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हम सबको जीवन दिया मेरे परमेश्वर पिता, आपने इस भाई को इस बहन को इनके परिवार को प्रभु आपने जीवन दिया प्रभु जी। हालेलुया क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि जो कोई परमेश्वर के नाम पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हाँ मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपने हमें अनंत जीवन दिया प्रभु, ऐसा जीवन प्रभु जो अनंत काल के लिए है पिता। हालेलुया हाँ मेरे परमेश्वर, सच में प्रभु आप धन्य है मेरे पिता, मेरा पवित्र परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान अपने महिमा में है और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया स्वर्ग पर उसका सिंहासन स्थापित है और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। यस माय लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, तू अनुग्रहकारी है मेरे प्रभु जी, तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है माय लॉर्ड। हालेलुया यस माय लॉर्ड फादर, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने हमारे जीवनों में अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, आपने इस भाई के इस बहन के इनके जीवनों में आपने अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, आपने ये अनुग्रह किया कि हमें भीड़ में से चुन लिया परमेश्वर पिता और अपना संतान बना लिया। हाँ मेरे प्रभु आपने ये अनुग्रह हम पर किया है पिता, हम धन्यवादी हैं इस अनुग्रह के लिए क्योंकि आप अनुग्रहकारी पिता हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया सच में मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है कि यहोवा भला है, सच में प्रभु तू भला परमेश्वर है, तू प्रभु हृदय में दीन और नम्र है, तू हृदय से प्रभु बहुत नम्र परमेश्वर है। हालेलुया दयालु है मेरे प्रभु, आज की शाम में परमेश्वर पिता आप हम सबको अपनी दया से भर दीजिए, अपनी भलाइयों से भर दीजिए, इस भाई को इस बहन को अपनी भलाइयों से भर दीजिए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु आपने परमेश्वर पिता हमें परमेश्वर पिता भीड़ में से चुना प्रभु और अपने लहू से हमें खरीदा परमेश्वर पिता, हम धन्यवादी हैं उस बेशकीमती लहू के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए बहाया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि सच में मेरे पिता आप हमारे लिए इस धरती पर आए परमेश्वर पिता, आपने हमारे लिए कोड़े खाए, आपने हमारे लिए क्रूस उठाया और आप हमारे लिए प्रभु मारे और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे मेरे यीशु। हालेलुया मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जो कोई इस पर विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए मारा गया और तीसरे दिन यीशु मसीह मेरे लिए जिलाया गया, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु इस भाई के लिए इस बहन
के लिए, इनके घराने के लिए मेरे परमेश्वर आप इस दुनिया में आए। हाँ मेरे प्रभु, इन्हें प्रभु बहुत ताहत का जीवन देने के लिए, इनके पापों से इनका उद्धार करने के लिए, हाँ मेरे प्रभु आपने हम सबको उद्धार दिया है, आपने हम सबके गुनाहों को अपने लहू से धो दिया है। उदय चल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर प्रभु आपने हमारे गुनाहों को हमारे जीवन से कर दिया है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हालेलुया प्रभु तेरी महिमा हो, तू अनंत काल का परमेश्वर है मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, तू हमें छुड़ाने वाला है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तूने हमें हर एक गुनाहों से छुड़ाया, तूने हमें शैतान के बंधनों से छुड़ाया पिता, हर एक बुरी और गलत आदतों से हमें छुड़ाया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, इस भाई को आपने छुड़ाया, इस बहन को आपने छुड़ाया, दुष्ट के हाथों से आपने इन्हें बचाया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। हाँ मेरे परमेश्वर, ये सिर्फ आप कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि आप विजयी हैं, और पिता आपने शैतान को क्रूस पर हराया पिता, और पिता आपने हमें विजयी बनाया। यस माय लॉर्ड फादर, धन्यवाद, आपने हमें छुटकारा दे दिया हर उन गलत बातों से, हर इन शैतान की गलत युक्तियों से, हमारे जीवन की गड़बड़ियों से आपने हमें छुटकारा दे दिया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हालेलुया। यस माय लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड फादर। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी स्तुति हो। आज की शाम में प्रभु हम सब एक मन होकर तेरी उपस्थिति में आते हैं मेरे यीशु राजा। प्रभु अपने हृदय को प्रभु तेरे सम्मुख प्रभु खाली करते परमेश्वर। आज की शाम में आप हम सबके हृदयों में आइए परमेश्वर पिता, जो प्रभु अपने जीवन में प्रभु जिनके हृदय खाली पड़े हैं, जिनके हृदय में परमेश्वर पिता जो कठोर हैं, यीशु मसीह आप उनके हृदय में आइए परमेश्वर पिता, और प्रभु जी आप उनके जीवनों में अद्भुत काम कीजिए प्रभु, उनके जीवनों को आप बदल दीजिए, और प्रभु अपने प्रेम को, अपने आनंद को, अपनी शांति को आप उनके जीवन में दीजिए परमेश्वर पिता। आज की शाम में, आज दिन भर में परमेश्वर आपने संभाला यीशु मसीह, हर एक खतरे से, हर एक दुर्घटना से, हर एक दुख बीमारियों से मेरे यीशु राजा आपने हमें बचा के रखा मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे यीशु राजा, धन्यवाद मेरे पिता। सच में मेरे प्रभु जी आप हमें स्वतंत्र करने वाले परमेश्वर है पिता, हर एक बंधनों से आपने हमें स्वतंत्र किया, हर एक शैतान की युक्तियों से आपने हमें स्वतंत्र किया। इस भाई को, इस बहन को आपने प्रभु स्वतंत्र किया है मेरे पिता, चाहे इनके जीवनों में कितने भी बंधन रहे हों, चाहे इनके जीवनों में शैतान के कितने भी काम रहे हों, प्रभु आपने इन्हें स्वतंत्र किया, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम सत्य को जानो और तुम सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यस माय लॉर्ड फादर, हाँ मेरे प्रभु आपने ऐसा ही किया है मेरे प्रभु जी। प्रभु जिस प्रकार प्रभु भजनकार दाऊद कहता है पिता परमेश्वर, जब प्रभु वो सहायता के लिए तुझे पुकारता है, वो कहता है हे मेरे धर्म है परमेश्वर, जब मैं तुझे पुकारूंगा तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले। हालेलुया मेरे परमेश्वर, सच में प्रभु दाऊद के जैसे परमेश्वर पिता, हम भी परमेश्वर पिता अपने संकट के समय प्रभु तुझे पुकारते हैं, जब हम सकेती में, मुसीबत में, विपत्तियों में पड़ते हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु आप हमें सहारा देते हैं अपने वचन के अनुसार। मेरे प्रभु जी आप हमें सहारा देने वाले परमेश्वर हैं पिता। आज की शाम में इस भाई को, इस बहन को, इनके परिवारों को आप सहारा दीजिए परमेश्वर। जब संसार में परमेश्वर पिता इस कोरोना वायरस का कहर आ पड़ा है पिता, ये मुसीबत आ पड़ी है पिता, जब सबके सब चिंतित हैं, जब सबके सब परेशान हैं प्रभु, पूरा संसार इससे दुखी है प्रभु जी, इस संकेती में परमेश्वर पिता आप हमें सहारा दीजिए, आप हमें सुरक्षित रखिए, आप प्रभु इस भाई, इस बहन को, इनके परिवारों को मेरे प्रभु जी सुरक्षित रखिए, ये कोरोना वायरस परमेश्वर पिता इन पर अटैक ना करने पाए, इन पर प्रभु जी इन्हें छूने ना पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप हमारे बचाने वाले हैं, आप हमारी चट्टान है मेरे यीशु राजा, आप हमारे छिपने का स्थान है मेरे यीशु राजा, क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रभु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है खुदावन, प्रभु तू सब जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू हमारे साथ उपस्थित है प्रभु, क्योंकि आप हमारी रक्षा करने के लिए, हमें हर एक मुसीबत से बचाने के लिए, हर एक महामारी से बचाने के लिए पिता आप हमारे साथ उपस्थित है मेरे यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, इन भाई बहनों को बचाने के लिए, इनके परिवार को बचाने के लिए प्रभु, इनके जानने वालों को बचाने के लिए मेरे यीशु राजा आप इनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि आप प्रभु सब जगह उपस्थित रह
रहने वाले परमेश्वर है मेरे खुदावन। यस माय लॉर्ड फादर, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। यस माय लॉर्ड फादर, तू पवित्र 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 परमेश्वर है। तेरे अत्यंत बड़े महान नाम की हम स्तुति करते हैं, क्योंकि प्रभु तेरी करुणा हम पर, हमारे परिवारों पर, इस भाई पर, इस बहन पर सदा के लिए बनी है मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी, सच में प्रभु तेरा वचन कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आज प्रभु इस वायरस को लेकर सब प्रभु बेचैन है, चिंतित है परमेश्वर, हम कैसे सोए, चिंताओं में प्रभु वो पड़े हैं परमेश्वर पिता। परंतु पिता परमेश्वर, जब हम तुझ पर विश्वास करते हैं, जब केवल हम तुझे निहारते हैं, केवल जब हम तेरी ओर निगाहें करते हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू हमें एकांत में निश्चिंत रहने देता है, हम शांति से सो जाएंगे। हाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि नींद भी हमें आपकी ओर से मिलती है प्रभु, आप हमें एकांत में निश्चिंत करते हैं यीशु मसीह, आप हमारे मन में शांति देते हैं। ओ यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू शांति का राजा है मेरे पिता। प्रभु आज की शाम में इस भाई इस बहन को आप अपनी असीम शांति से भरे मेरे यीशु राजा। प्रभु जी इनके परिवारों में शांति दीजिए, इस पूरे देश में शांति दीजिए, जहां कहीं भी कोरोना वायरस फैला हुआ है प्रभु, वहां पर आप शांति दीजिए। और परमेश्वर पिता, आज की रात में मेरे खुदावन आप इन्हें निश्चिंत रहने दीजिए, आप एकांत में इन्हें निश्चिंत रहने देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमें शांति दिए जाते हैं प्रभु। संसार में तो हमें कलेश होता है, परंतु पिता परमेश्वर आप हमारे कलेशों को दूर करें, हमें दूर करके हमें पिता परमेश्वर शांति देते हैं। आज की शाम में यदि इन भाई बहनों के घर परिवार में बहुत ज्यादा कलेश होता है, यदि अशांति इनके घर में बनी रहती है, यीशु के नाम से प्रभु जी, क्योंकि आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, आप जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं, आज की शाम में प्रभु आप इनके घर की परिस्थितियों को, इनके हालातों को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। उस लड़ाई झगड़े, उस कलेश से पिता परमेश्वर आप उन्हें बाहर निकालिए। शैतान जो प्रभु दिन प्रतिदिन उस कलेश को उनके घर में बनाए रखता है, यीशु के नाम से प्रभु आज की शाम में वो सारे शैतान के बंधन टूट जाएं, वो लड़ाई झगड़ा करने वाला हृदय प्रभु यीशु के नाम से बदल जाए मेरे पिता, वो विचार यीशु के नाम से बदल जाए, क्योंकि आप शांति के राजा हैं, आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं। पिता आज की शाम में आप घर परिवारों में हर एक के मन में शांति दीजिए, कलेश से, लड़ाई झगड़े से, एडिक्शन से आप इन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये जिस किसी बात को लेकर आज की शाम में चिंतित है मेरे प्रभु जी, आप उस चिंताओं से आप इन्हें मुक्त कीजिए। आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आपको इस भाई का, इस बहन का, इनके घर परिवार का, इनके हालातों का पता है, आप जानते हैं कि ये किस दर्द में है, आप जानते हैं कि इनके जीवन में क्या दुख है, आप जानते हैं कि परमेश्वर इन्हें किन बातों की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता आप, परमेश्वर पिता इनको शांति प्रदान करें, आप इनकी चिंताओं को दूर करें, आप इन्हें एकांत में निश्चिंत रहने दें प्रभु जी। और प्रभु आज की रात में आप इन्हें मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें प्रभु। यदि ये डिप्रेशन में है, यदि ये बीमारी में है, यदि प्रभु इनके घर परिवार में तनाव का माहौल है, यीशु के नाम से वो हर एक डिप्रेशन, वो हर एक बीमारी, वो हर एक दर्द इनके जीवनों से चला जाए यीशु के नाम से, हर एक दुख इनके जीवनों से चला जाए यीशु के नाम से। मैं तुम्हें यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देती हूँ, डिप्रेशन, दुख, बीमारियां, मैं आज्ञा देती हूँ तुम्हें यीशु के नाम से जाने की, निकल कर चले जाओ इनके जीवनों को छोड़कर, इनके परिवारों को छोड़कर, यीशु के नाम से निकल जाओ। हालेलुया मेरे प्रभु जी, आप इन्हें शांति दें प्रभु, अपना शांति का आत्मा दे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु ये तुझे पुकारते हैं, ये तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। इनका मन टूटा हुआ है प्रभु, इनके हृदय प्रभु टूटे हुए हैं प्रभु, आप इनके टूटे मनों को जोड़िए प्रभु, आप इनके घायल मन को प्रभु, इनके टूटे हुए मन में परमेश्वर पिता आप मरहम लगाने वाले परमेश्वर हैं, आप प्रभु जी हृदयों को जोड़ने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि परमेश्वर आप प्रभु हमारे अंदर रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि तुम मेरा मंदिर हो, आप हमारे अंदर रहते हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु, आपके नाम की बड़ी महिमा हो प्रभु जी। मैं नहीं जानती प्रभु
ये भाई बहन किस हालात में है, प्रभु हम नहीं जानते परमेश्वर पिता कि ये किस दुख में है, किस क्या क्या विपत्तियां इन पर पड़ी हैं, क्या क्या बीमारियां इन पर लगी हैं, परंतु पिता मैं ये जानती हूँ कि तू सब कुछ का समाधान करने वाला परमेश्वर है, तू सब कुछ में प्रभु प्रधान है, तू विजयी देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपने इनकी हर एक हालातों में प्रभु जी आपने इनको विजय दिया है, आपने इनकी बीमारियों पर इन्हें विजय किया है, आपने इनके हालातों में इन्हें विजय किया है, आपने इनकी विपरीत परिस्थितियों में इन्हें विजय किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी, आप अपनी अपरंपार आशीषों से इनको इनके परिवार को भर दीजिए परमेश्वर पिता। आज की शाम में यदि प्रभु इन्हें नेगेटिव विचार आते हैं, यदि इन्हें मृत्यु के विचार आते हैं, यदि ये डरते हैं, यदि इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, यदि इनके मन में एक दूसरे के प्रति जलन की भावना है, यीशु के नाम से ये सारी नेगेटिव बातें इनके जीवन से अब भी और इसी वक्त यीशु के नाम से खंडित करते हैं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं निकल कर चले जाओ। धन्यवाद परमेश्वर, आपने ऐसा ही किया है यीशु राजा, क्योंकि परमेश्वर पिता आप परमेश्वर हमारे मांगने के अनुसार प्रभु हमें देते हैं परमेश्वर, आप हमारे मनोरथों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आज की शाम में मेरे खुदा इनके जो भी मनोरथ हैं प्रभु, इस भाई के इस बहन के जो भी मनोरथ हैं मेरे प्रभु, आप उन्हें पूरा करें, क्योंकि आप हमारे मनोरथों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं और हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके पास प्रभु आज के दिनों में प्रभु हमारे संसार में हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं प्रभु जिनके पास प्रभु भोजन वस्तुएं नहीं है प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु आप उनकी सुधि ले परमेश्वर पिता, हम सब मिलकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि आप उन लोगों की सुधि लीजिए, आप प्रभु अपने महिमामय धन से उन्हें प्रभु प्रोवाइड कराइए, क्योंकि आप एक प्रभु उपाय करने वाले और यहोवा ईरे हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके पास सारी बातों का उपाय है परमेश्वर, आप उन लोगों के लिए भोजन वस्तुओं की प्रभु आप व्यवस्था करें परमेश्वर पिता। आज की शाम में प्रभु इन दिनों में परमेश्वर जो भाई बहन बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं यीशु मसीह, आप उनके लिए यहोवा ईरे हैं मेरे खुदावन, प्रभु आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने परमेश्वर अब्राहम के लिए उपाय किया मेरे यीशु मसीह, आपने जरुब्बाबेल के लिए उपाय किया मेरे परमेश्वर पिता, उसी प्रकार मेरे खुदावन आप इन भाई बहनों के लिए उपाय करें, अपने महिमामय धन से परमेश्वर पिता आप इनकी सारी जरूरतों को, इनकी आर्थिक समस्याओं को पूरी करें मेरे परमेश्वर, इनकी सारी चिंताओं को ले लीजिए परमेश्वर पिता, इनके रिलेशनशिप के हर एक दूरियों को आप मिटा दीजिए, हर एक प्रभु गलत फहमियों को आप मिटा दीजिए, हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप को आप मिटा दीजिए परमेश्वर पिता, और इनके रिलेशनशिप्स को आप मजबूत करिए परमेश्वर पिता, और इनकी सारी चिंताएं जो इनके घर परिवार को लेकर है, अपने फ्यूचर को लेकर है, अपने जॉब को लेकर है, अपनी शादी को लेकर है, वो सारी चिंताओं को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने कोरोना वायरस से हमें और हमारे पूरे संसार को बचा कर रखा है, हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, क्योंकि जो जो आपके पीछे चलते हैं, जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं, उन पर कोई भी हथियार सफल ना होंगे, यस माय लॉर्ड फादर, क्योंकि परमेश्वर आप अपने लोगों को ऊंचे पे नियुक्त करना जानते हैं, यस लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में मेरे पिता हम आपको आदर महिमा देते हैं, आज की रात में आप इन भाई बहनों को मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें प्रभु, जिन्हें रात को नींद नहीं आती है, आधी रात में उठ जाते हैं पिता, आप उन्हें प्रभु अच्छी नींद दें प्रभु, ताकि सुबह उठकर प्रभु आपके नाम की महिमा करें, धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।